हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में टेक गेमर वर्ल्ड में। और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला अपना वो कंसोल, गेमिंग कंसोल, जिसके लिए मैं इतने दिन से वेट कर रहा था। और यार काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, जिसके कारण मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली अपने चैनल पे। गैस करना ज़रूर, अब अभी के अभी वीडियो को पॉज करके गैस करके ज़रूर बताना कि क्या कौन सा कंसोल है। मेरे पास पहले भी एक कंसोल था, उसका पहले वाला जो मॉडल वगैरह थे, बट वो भी सेकेंड हैंड था और तो और वो ख़राब भी हो चुका था। इस कारण से मैंने नया लिया है। और अब ये PS5 भी आने वाला है, बट फिर भी मैंने आज PS4 ऑब्वियसली ले लिया है। अब आपको पता ही, मैंने बता ही दिया कि कौन सा कंसोल मैंने लिया, तो जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ मैंने कौन सा वेरिएंट लिया है। वैसे तो भारी बहुत ज़्यादा है ये बॉक्स, सोनी का कहना पड़ेगा यार कितना भारी बॉक्स दिया हुआ है। और ये है ब्रो बॉक्स, तो ये है सोनी का PS4 1 TB वेरिएंट में आता है स्लिम। ये प्रो मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यार बजट नाम की भी कोई चीज़ होती है। HDR को सपोर्ट करता है, 4K को सपोर्ट नहीं करता। VSPR वगैरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। 1 साल की सोनी की वारंटी इसमें अवेलेबल है। और तो और ये मेगा पैक है, इसमें आपको 3 गेम्स मिलती हैं फिजिकल डिस्क में, जैसे कि एक है GTA 5, डेज गॉन, गॉड ऑफ वॉर और फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का इसमें बेसिकली न्यू वर्जन का पैक अवेलेबल है, जिसमें आपको 2000 V-Bucks और एक स्किन और एक बैकपैक मिलता है फ्री। आप इन्हें चाहे अपने जो फोर्टनाइट, आपको पता ही होगा कि फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप PS4 में, तो उसमें आपको लोड वगैरह करना होता है। और आपको 3 मंथ्स का PS Plus की मेंबरशिप मिलती है। और आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ये बॉक्स जो है इंडियन वारंटी के साथ है, CHU, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कैमरे के मैं पास लेकर आता हूँ। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CUH 2208। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक है ये कंसोल। और इसी के साथ हम इसके इस तरफ कुछ नहीं है ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं, क्या क्या इसके अंदर से मिलता है। खैर बाकी सब कुछ आपको वही है। और पीछे से दिखा दूँ आपको कंसोल, तो यही है। वीडियो में कुछ अच्छी तरह से फिट वगैरह नहीं आ रहा है। और यहाँ पे आपको GTA 5 का प्रीमियम एडिशन है, डेज गॉन इनके बताया गया है क्या क्या है। और यहाँ पर आपको कुछ और ऐप्स का भी बताया गया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, टी स्विच। मैं इनको ज़्यादा यूज़ वगैरह नहीं करता हूँ। और आपको यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आपको इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन MRP वगैरह लिखा हुआ है, क्वान्टिटी वगैरह क्या है, प्राइस वगैरह आप देख सकते हैं। अगर आप इसको फ्री ऑनलाइन लेना है तो आपको 27,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इसका मैं बिल भी ज़रूर आपको दिखा देता हूँ, तो जल्दी जल्दी इसको अनबॉक्स भी करते हैं। पहले आपको बिल दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा बिल, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया और फ्लिपकार्ट का बॉक्स मैंने है। तो जल्दी जल्दी मैं इसकी सील टेम्पर्ड करता हूँ और फिर हम इसे खोलते हैं। तो ठीक है, जल्दी जल्दी इसको हम खोलते हैं, इसकी सील वगैरह तोड़ते हैं। तो लेट्स गो। तो हमने सील तोड़ दी है और अभी हम इसका अंदर से सामान निकल रहे हैं। क्या निकल रहा है अभी इसके अंदर? एक और बॉक्स जिसके अंदर हमें सब कुछ ज़्यादातर सामान मिलेगा। और ये हमें वाइट कलर का बॉक्स मिल चुका है अंदर से, इसको साइड में रख देते हैं। और बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर मिलता है हमें एक वारंटी कार्ड, जो कि आपको काम आएगा अगर आपको वारंटी से रिलेटेड दिक्कत वगैरह होती है। आपको इसमें वारंटी कार्ड और एक ऑल्सो एक ये भी मिल जाता है आपको सोनी के इंडियन सर्विस के बारे में। अगर आपको कहीं भी इनसे वारंटी वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हैं यहाँ पे जाकर। आज मैं आपको इसमें कोई गेम प्ले वगैरह भी करके नहीं बताऊँगा, क्योंकि भाई मैं इसके गेम प्ले से रिलेटेड कोई और वीडियोस बता दूंगा। और तो और ऑब्वियसली आपने गेम प्ले वगैरह तो देख ही लिया होगा PS4 का कैसा होता है। तो पहले इसको खोल लेते हैं, PS4 को यहाँ से हम खोल सकते हैं। और मैं फटाफट आपको इसे कंपोनेंट्स खोल के ज़रूर बताता जाऊँगा क्या क्या इसमें मुझे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, क्या क्या हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको कंपोनेंट्स खोल के बताता हूँ। तो सबसे पहले मिल रही है हमें ये HDMI केबल नहीं है, और ये इंडियन प्लग के साथ आती है, तो बहुत बढ़िया है ये भी। तो अगला प्रोडक्ट देख लेते हैं। अगला प्रोडक्ट हमें निकलता है ये USB पावर केबल, जिससे हम अपने कंट्रोलर को पावर देंगे। एक मिनट इसको भी खोल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी क्वालिटी की है अगर आपको यूज़ वगैरह करना है तो। और अगली चीज़ जो हमें निकलती है वो है हमारी HDMI, वो मिलता है हमें DualShock 4, जो कि देख सकते हैं ऑन है। इसको यार आप ऑफ करके रख सकते हैं, इसको भी मैं समझ रहा हूँ इधर साइड में।
और अगला जो चीज़ कंपोनेंट निकल रहा है वो मिल रहा है हमें HDMI केबल, और ये काफ़ी ज़रूरी है जिसको आप अपनी टीवी से कनेक्ट वगैरह करोगे। ये HDMI केबल, इसको भी रख देते हैं साइड में। और अगली जो चीज़ निकल रही है छोटी सी, वो है हमारे हेडफोन्स, जो आप अगर आपको गेमिंग वगैरह में काम आ सकते हैं, कंपनी ने कॉम्प्लीमेंट्री देती है, वरना आप इसे और भी लेके कहीं भी लेके यूज़ कर सकते हैं। और मिलती है हमें निकलती है यूज़र गाइड, जो कि PS4 की मिलती है, मैनुअल क्विक स्टार्ट गाइड, जो भी मैनुअल्स वगैरह मिलती है। और एक मिलती है हमें सेफ्टी गाइड PS4 की, कि क्या है सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड। और निकलता है PS4 का 3 मंथ्स का मेम्बरशिप, इसे आप अलग से भी परचेज कर सकते हो। बाकी बॉक्स में मैं कोड पीछे से नहीं दिखा सकता, क्योंकि पीछे कोड है, जब आप परचेज करेंगे तभी आपको दिखाऊंगा मैं। ये Fortnite का डिजिटल कोड, क्योंकि मैंने बताया इसमें यहाँ पे आपको कोड दिया रखा होता है, मैं कोड नहीं दिखा सकता, जब आप परचेज करोगे तभी आपको कोड मिलेगा वो। और ये तकरीबन यहाँ 1000 रुपये के आसपास का कोड मिल जाता है, तो आप इसे जाके मार्केट या ऑनलाइन वगैरह से परचेज कर सकते हैं। और आगे हमारे जो यूनिट्स है वो सिर्फ हमारा कंसोल और गेम्स रह गए, तो उन्हें भी निकाल देते हैं। तो हमें सबसे पहली गेम जो निकलती है वो निकलती है GTA 5, जिसका हमें प्रीमियम एडिशन है। इसकी गेम प्ले मैं आगे का किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा आपको कैसा है प्रीमियम एडिशन। ये सिंपल एडिशन से थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, इसमें आगे बताऊंगा। और जो दूसरी गेम जो निकलती है वो है Days Gone, जो कि ओनली ऑन PlayStation टाइटल है, और काफ़ी अच्छी गेम, अगर आप इसको खेलने जाते हैं आपको परचेज कर सकते हैं। 1300 के आसपास का आपको इसको ऑनलाइन मिल जाती है। और लास्ट गेम जो फिजिकल डिस्क में मिलती है वो मिलती है हमें गॉड ऑफ वॉर, जो कि काफ़ी अच्छी गेम है, और ये भी ऑल्सो ओनली ऑन PlayStation का एक्सक्लूसिव टाइटल है। तो चलिए फिर अब हमारा रह गया इसमें कंसोल, और उसको जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। और ये हमारा कंसोल, काफ़ी अच्छी सी पैकिंग की हुई थी जो कि मैंने निकाल दी, और काफ़ी अच्छा मजबूत है ये इसके साइड के सपोर्ट करने वाले, और ये भी इसका साइड का सपोर्ट करने वाला, इनको कर देता है साइड में। और ये पैक है इसमें, और ये हमारा PS4 कंसोल, और आप देख सकते हैं ये हमारा मेन कंसोल जिसके लिए हम जैसे वेट कर रहे थे। और ऑल्सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट पे, सबसे पहले बता दूँगा आपको, यहाँ पे PS का लोगो लगा हुआ है, और यहाँ पे सोनी का लोगो बना हुआ है, और यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलता है, ये इंजेक्ट बटन मिलता है, जिससे यहाँ पे हम डिस्क वगैरह प्ले कर सकते हैं, और यहाँ से आप USB पोर्ट वगैरह से चार्ज कर सकते हैं अपने कंट्रोलर को एंड अदर थिंग्स एक्सेसरीज, जो कि आपको PS के साथ मिलती है, जिन्हें आप को एडिशनली परचेज करना होता है। और साइड में आ जाता है, तो साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक कुछ नहीं मिलता, वैसे भी यहाँ पे सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे डिस्क्राइब किया गया है क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं, ब्लू रे डिस्क, डॉली बॉय, और HDMI वगैरह। और इधर से भी सेम टू सेम वैसा ही है, ये कुछ नहीं है। और अगर हम पीछे से देखा जाए तो यहाँ पे आपको PlayStation के थंब बटन्स वगैरह मिलते हैं, जो कि है ट्राइंगल, क्रॉस, सर्कल वगैरह। और यहाँ से अगर आप पीछे से देखेंगे तो आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि आपको ये पावर पोर्ट मिलता है आप अपने PlayStation को पावर देने के लिए, यहाँ पर एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक और एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, इसके थ्रू आप अपने PS को अपने TV से कनेक्ट कर सकते हो, एक LAN पोर्ट मिल जाता है, और ये वारंटी सील है, अगर ये टेम्पर्ड वगैरह हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ किसी ने इससे छेड़खानी की। और एक विंड पैनल मिल जाता है जहाँ से आपका PlayStation ठंडा होता रहे। तो यही है हमारा कंसोल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और आइए फिर मैं आपको इसका गेम प्ले वगैरह भी बताता हूँ, दिखाता हूँ। और चलिए फिर हम अभी तकरीबन मैं आपको गेम प्ले वगैरह तो नहीं दिखा रहा, सिर्फ आपको इसके यूज़र इंटरफेस दिखा दूँगा, और गेम्स वगैरह भी लोड कर चुका हूँ, पर मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा गेम्स वगैरह के बारे में। तो चलिए जल्दी से। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने अपने PlayStation को अपने TV से कनेक्ट कर लिया है, और इस तरह का हमें यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी गेम है GTA, जिनको मैंने लोड कर लिया है। वैसे मैं आपको अगली वीडियो में इनको प्ले करके बताऊंगा कि कैसे चलती है, कैसी है गेम, कैप्चर गैलरी वगैरह वगैरह उसमें, PlayStation स्टोर सब कुछ है इसमें, लाइब्रेरी, लाइव प्ले रूम, इंटरनेट ब्राउज़र वगैरह गेम्स है जो मुझे उसी के साथ मिली हैं। उससे पहले आ जाता है आपको यहाँ पे PlayStation Plus की मेंबरशिप, PlayStation Plus, उसके बाद नोटिफिकेशन, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, इवेंट्स, मैसेजेस, पार्टी वगैरह, प्रोफाइल, ट्रॉफीज, सेटिंग्स और पावर। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं।
कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें भी, प्ले स्टेशन में भी। वैसे इसकी अगली वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको बता दूंगा मैं किस तरह से आप इसको देख सकते, किस तरह से गेम चलती है इसमें, कैसा एक्सपीरियंस है, वो अगली वीडियो में पक्का आ जाएगा और प्रॉबेबली नेक्स्ट ही वीडियो होगी। तो ठीक है फिर, चलिए अब हम वापिस आते हैं अपने उस पे। सो फ्रेंड्स, आपको देखा होगा आपने इसका यूज़र इंटरफेस सिंपल नॉर्मल है, कोई भी इसमें चेंजेस वगैरह नहीं है। और आई होप डैट आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काफ़ी लेट आई ये वीडियो, आई एम सॉरी फॉर डैट, बट हाँ क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी थी कि इतने टाइम तक मैं नहीं यूज़ कर पाया। तो चलिए फिर अभी मैं अपने कंट्रोल से गेमिंग करूँगा और आपको फिर इसकी ज़रूर नई नई से नई गेम ज़रूर आपको इसमें दूंगा। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले।